गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है वेजिटेबल पुलाव बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल पुलाव बनाना। वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए ये हमने 1.5 गिलास चावल लिए हैं। इनको हमने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था और इसका हमने पानी निकाल लिया है। और ये हमने 4 चम्मच दही ली है। अब दही के अंदर मैं मसाले डालूंगी। 1 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, नमक स्वाद के अनुसार डाल रही हूँ मैं इसमें, और 1 चम्मच मैं इसमें बिरयानी मसाला डालूंगी। ये वेजिटेबल बिरयानी मसाला है। 1/4 चम्मच मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डालूंगी। ये हमारे मसाले इसमें दही के अंदर डल चुके हैं। इसे मैं एक साइड में रख दूंगी। और ये मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया है, इसको मैंने कट कर लिया है टुकड़ों में। और ये मैंने 1 टुकड़ा अदरक का लिया है, इसको कद्दूकस कर लिया है। 8 से 10 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, इसको भी मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया है। 4 मैंने हरी मिर्च ली हैं, इनको भी बारीक कट कर लिया है। 3 बड़े प्याज लिए हैं, इसको मैंने लंबाई में कट कर लिया है। 5 मैंने लौंग ली है, और 1 मोटी इलायची, और 1 ये दालचीनी का टुकड़ा लिया है। ये मैंने 1 बड़ी गाजर ली है, इसको बारीक कट कर लिया है। और 1 बड़ा आलू लिया है, इसको भी मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। और ये हमने फलियां ली हैं, इनको भी बारीक कट कर लिया है। और इनको ये हमने सोयाबीन की चम्स ली हैं, इनको मैंने 1 पीस में 4 पीस कर लिए हैं। ये देखो, मैंने इस प्रकार से 1 सोयाबीन में से 4 टुकड़े करे हैं। ये बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। इनको पानी में भिगोकर फिर इसका पानी निकाल के, और इस प्रकार से मैंने इनको कट कर लिया है। तो आइए बनाते हैं। ये मैंने 1 कढ़ाई ली है। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये मसाले, खड़े मसाले डालूंगी। मोटी इलायची को मैंने बीच में से तोड़ दिया है, और इसमें ये जीरा डाल दिया है मैंने 1/2 चम्मच। जीरा हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें ये लहसुन डाल दूंगी। लहसुन हमारा भून चुका है। अब मैं ये कटे हुए प्याज डाल दूंगी। और इन प्याज को मैं अच्छे से ब्राउन होने तक भून लूंगी। ये हमारे प्याज भून चुके हैं। अब मैं इसमें ये टमाटर डाल दूंगी। मैं ये अदरक और हरी मिर्च भी डाल दूंगी इसके अंदर। भूनने दूंगी। अब जो ये मैंने मसाले लिए हैं दही के अंदर, इसे मैं मिक्स करूंगी इसमें।
अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और इसे फिर से मिक्स करूंगी। ये हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब मैं ये मसाला इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी। अब मैं मसाले के अंदर ये सारी सब्जियां डाल दूंगी। ढक के 1 से 2 मिनट के लिए पकने दूंगी। तो आइए चेक करते हैं और ये हमारी सब्जियां अच्छे से भुन चुकी हैं और इसमें ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया है सब्जी ने। अब मैं इसमें ये चावल डाल दूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। ये मैंने 1 गिलास डाल दिया है और ये 2 गिलास। ये मैंने 3 गिलास पानी डाल दिए हैं इसमें। ये हमने 1.5 गिलास चावल थे और उसमें मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया है और अब मैं इसे 15 से 20 मिनट तक पकने दूंगी। ये हमारे चावल में उबाल आ चुका है और अब मैं इसमें ये मैंने केवड़ा लिया है और मैं इसमें ये 1 चम्मच केवड़ा डाल दूंगी और अब मैं इसे ढककर स्लो गैस पे पकने दूंगी 15 मिनट। तो आइए चेक करते हैं हम चावल और ये हमारी पुलाव देखने में कितनी अच्छी लग रही है और ये बनकर भी तैयार हो चुकी है। ये मैंने 8 से 10 पुदीने के पत्ते लिए हैं और इनको बारीक कट कर लिया है। अब मैं इसमें ये पुदीने का पत्ता डाल दूंगी और अब मैं इसे हिलाऊंगी। ये देखो कितने अच्छे से खिले खिले पुलाव बनी है हमारी। और अब मैं इस गैस को बंद कर दूंगी और इसे 1 बाउल में सर्व करूंगी। ये हमारी पुलाव बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।